चले गए हैं, हमारी तैयारी हो रही है। यहाँ पर हमने सारा सामान बटा रखा है, ये डॉक्के में ये सामान है और जार वार पानी का। हेलो तो एक नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत मेरे मायके से ही पहाड़ी बाखली से हमारी ये। और सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पलाग, मेरा नाम है ममता और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का इस सुंदर सी जगह मुंशारी के चौना गांव से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक है, मस्त मस्त मौसम हो रहा है यहाँ और हमारी तैयारी हो रही है अभी मंदिर जाने की। हम सब रेडी हो चुके हैं, यहाँ पर बस पुष्पा नहीं आए, पुष्पा का वेट हो रहा है, आ गई पुष्पा भी। तो हम चलते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं ले जाने वाली थी लेकिन मेरा भाई लेके चला गया ये। पानी आ रही, बुआ जा रही है भरारी मंदिर। हाँ मंदिर, तो हम लोग जा रहे हैं जार लेके, प्रेरणा पुष्पा सानू और मैं, और लोग आगे आगे को चले गए, बहुत दूर है, हमें पैदल पैदल चलना है, तो दिखाते रहूंगी। तो यहाँ पे हमारा घर, सानू पैदल पैदल चल रही है अभी। पोर साग, और यहाँ पे आलू वो रखे हैं, देख सकते हो एरा चारी। हाँ तो ये बहुत शमकन्या हो रहे हैं, इसको बोलते हैं शमकन्या। तो ये है नंदा मैया की मंदिर, ये हमारे गांव से घर से ऊपर है, देख भगवान। और यहाँ पे सानू घंटी बजा रही है, ये बड़ी ना, नंदा मैया के दर्शन भी कर लिए। तो अब हम निकलते हैं, हम जो जहाँ पूजा करने जा रहे हैं वहाँ का सुंदर नज़ारा जो है देखने को बहुत अच्छा मिलता है। और ये रहा गांव इस साइड का है, ये अभी आधे दिख रहे हैं आधे घर। पोरू साग खाओ लो, बारिश पानी और रंबाकली। उस साइड को जाएंगे फिर वहां से दिखाएंगे। हम ले जा रहे हैं हाथ में, अभी प्रेरणा ले जा रही है दो दो, प्रेरणा याद ही एक, छोटे छोटे दाने होते हैं इसके लाल लाल, जो कि खाने में थोड़ा हल्का सा मीठा होता है, थोड़ा कसैल टाइप का होता है। खा लो खा लो, वाह कैसा हो रहा है, चलो उनको जाने दो, बाद में जाएंगे। अच्छा हम अकेले रह जाए। तो ये है हमारे यहाँ का नौला, यहाँ पानी निकल आ रही हूँ बाबा, यहाँ पानी निकलता है। और वो नंदा मैया को यहाँ जिस दिन यहाँ पे जिनकी शादी होती है दूसरे दिन धारा दिखाने का रिवाज होता है पहाड़ों में, तो वो ये है आ रही हूँ। तो यहाँ पे ना ये पानी ऐसे निकलता है ये, और बरसात में यहाँ बहुत सारा पानी ऊपर तक यहाँ तक आता है पानी ये बरसात में, अभी थोड़ा कम है। जब बारिश की वजह से नल वल सब टूट जाते हैं और पानी बहुत दिन तक बंद रहता है नल में, तो यहाँ से पानी ले जाते हैं लोग पीने के लिए। तो यहाँ पे ना हमारे यहाँ मल नाल बोलते हैं, क्योंकि मल यानी ऊपर, नाल यानी पानी का, जहाँ से पानी का स्रोत पानी निकलता है। तो ये रहा हमारा मल नाल, बोलते बिच्छू घास सियून, जो कि बहुत सारा हो रखा है यहाँ पे ये। और ये है सुड़िया के पेड़, पानी पीना है, ये पानी पीना है। तो ना हम बहुत थक चुके हैं, थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, सांस भी फूल गए क्योंकि अभी आदत नहीं हुई, थक गए। ओहो क्या होगा फिर, यहाँ से वो नीचे मटकोट दिख रहा है, मटकोट से ऊपर ये है गोलमा, कापल भी खाएंगे हम ऊपर। चलो चलो चलो, बहुत आफत कर दी है ये, तो अगर हम यहाँ से अगर लुढ़क गए ना कोई कोई जानवर भी तो वो नीचे पहुँचेगा। और यहाँ पे ना जंगल में ये ऐसे चारों तरफ से बाढ़ करके, यानी बकरी भागे ना, और देखो कितने अच्छे तरीके से ऐसे बना रखा है लोगों ने। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं जहाँ पर हमारा मंदिर है, बहुत चढ़ाई चढ़ने के बाद, और ये बहुत थकान हो चुकी है, बहुत थकान हो गई है। तो हम आ रखे जंगल में, गांव से बहुत ऊपर है ये, तो यहाँ रखे। अभी बहुत थक गई हूँ क्योंकि आजकल ऐसे चढ़ाई में चढ़ने की आदत नहीं हुई। तो पे जितने भी पेड़ दिख रहे हैं ना, ये बांज के पेड़ हैं,
इसका घास काट के ले जाते हैं गाय को खिलाने के लिए। ये ऊपर सब जंगली जंगल है, ये सब इतना दिख रहा है। वो ऊपर गांव है, जो पहाड़ है बहुत नजदीक दिख रही है, बहुत सामने से दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा। हम बना रहे हैं मंदिर, मंदिर बनाने की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे निंगाल लाए हैं घर से और कमेट जिसको बोलते हैं सफेद मिट्टी, ये ऐसे बनाते हैं मंदिर यहाँ। और एक बना दिया वाला, और एक दो वहाँ पे बना दिए हैं, एक यहाँ पे मिलात पकड़ो, और एक यहाँ पे है ये। अब हम जलाएंगे आग वाग और सब्जी वब्जी काटेंगे। खाने की बुद्धि देव, खाने की बुद्धि देख रहा हाय बड़ी मुश्किल से हाय बोलती है। बोलना शानू, वल्थी सब दिख रहे हैं यहाँ से। और फिर से पंचा चूल्हे के पहाड़ों में फिर से बादल भर चुके हैं। हमारा जो पूजा वाला कार्यक्रम था मंदिर में तो वो सब हो चुका है, बस हमने प्रसादी खाना है, पूरी वूरी खानी, फिर हमने चलना है घर को। हमारी सब्जी भी बन चुकी है और पूरी मंदिर पूजा वूजा संपन्न। अब हमारे घर जाने की तैयारी शुरू, वहाँ करेगी कल। देखो वो देखो जाना जा। तो एक भी लाख पाल चलो 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 बाय 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 बाय। फूल देखो वो देख ने कर रही है पुलाव की तैयारी, मटर वटर छिलछल आलू आलू छिलछल, तो मैं बनाती हूँ पुलाव। और यहाँ पे कपड़े डालेंगे मशीन में, पहने वाले बैठे चाय वाय पी के पूजा वजह से आए और कपड़े धोए इतने सारे मशीन में डाले सारे। और अभी मौसम सही है, नहीं तो पता ही नहीं चल रहा है कब मौसम खराब हो जाता है। ये जा
हमारी जेजा जो है कि ओखल कूटने के लिए रेडी हो रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारी बूजी का ये दो बकरियां हैं, मारलनी, हाँ दो बकरियां हैं, गाय हैं दो, ये लोकल गाय, जर्सी गाय नहीं है, ये लोकल गाय है। और जेजा यहाँ पे झाड़ रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, कोई नहीं। हेलो गाइस करा। ये हमारी जेजा देखिए पता नहीं क्या कूट रही है यहाँ पे, धनिया मसाला कूटी है वो, हाँ धनिया मसाला कूट रही है वो खुल में। हाँ तो हम नहीं मिले थे ना, अभी एक भाभी और है उनको दिखाया नहीं है मैंने, और सबको हमारी जितने भी पहाड़ी बाखली के हैं दिखा दिया। पहाड़ी लाइफ स्टाइल देख सकते हैं आप लोग, पहाड़ी लाइफ स्टाइल। ओ वहाँ पे जौ टिप रहे हैं, जौ टिपने ना ये वो टिपला। तो यहाँ पे ये वाली भाभी हमारी बोझी घर पे नहीं है, उनको बाद में मिलाएंगे हम आपको। और मैंने सबसे मिला दिया यहाँ पे, ये जितने भी लोग यहाँ पे स्वेटर पहन रहे हम सब लोग, ये देख सकते हैं आप लोग इतना ठंडा हो रहा है। लग नहीं रहा कि अप्रैल मई का महीना चल रहा है, ऐसा लग रहा है नवंबर दिसंबर, नवंबर में तो फिर भी ठीक ही होता है। पहन रही हूँ स्वेटर, पहन रही हूँ, क्या होता है, क्या हो रहा है ये, क्या आदमी है, ठंडा हो रहा है ज्यादा। क्या हो रहा है ये पता ही नहीं चल रहा है, गर्मी का मौसम है, ठंडा का मौसम है, गया ही। गर्मी का मौसम आ रहा है, ठंडा ज्यादा होने लग रहा है, क्या करो अब। शानू जा रही है, अल्लाह शानू। मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज की छकड़ाना, ओम मंगलम नमः बंसी भरवाते है, ये छोरा खाने खिला दिए, ओए मोटा मोटा कर दिए, कर दिया दूसरी बार आप तो मोड़ रहे मुंह पे है मने नहीं हूं दहर बाद और मैं गप ठंडा पानी है जो ये ठंडा पानी खिला दिया दीदी ने, ये बजरी देता ढोल के आया हो, हलवा पूरी खा रहा हो यहाँ पे आ रखे हैं। यहाँ ये आ रहे ना मामी भाभी, और आज अरे चल पूजा थी तो शोकन खानी खीरा खा रहे हो, बोली भाई केला खा रहे, ये फूल भी केला खाई आज की ब्लॉग में इतना ही, कल शाम मिलते हैं नए दिन, नए दिन के बाद। तो आज की ब्लॉग आज लाइक कर देना, प्यारे प्यारे कमेंट मारना, और बल्द का घन जरूर दबा देना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, दूसरे दिन दूसरी बार आने तक 10,000 सब्सक्राइबर होना चाहिए। ये रही मिठाई, मुंह मीठा करिए, तो मैं पहले ही खिला दे रही हूँ मिठाई, जिस दिन मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना तो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लाऊंगी।